नेताजी महाविद्यालय हमीरपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय में विभिन्न क्लासों में एडमिशन के पहले दिन 1800 के करीब प्रोस्पेक्ट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। प्रदेश के कॉलेजों में नए सत्र 2018-19 के तहत विद्यार्थियों ने इस प्रवेश प्रक्रिया में रूसा को वार्षिक आधार पर लागू करने की प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है। रूसा सिस्टम में कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को पहले के तय नियमों के तहत ही विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। रूसा प्रणाली में बदलाव के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज में विभिन्न कक्षाओं में सीटों के लिए मेरिट ही आधार है। कॉलेज प्रशासन इन तय नियमों के आधार पर ही प्रवेश दे रहे हैं। प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बारे में अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। दो चरणों में विद्यार्थियों को प्रवेश के मेरिट के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। 25 से 27 जून तक कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्ड पर कॉलेज प्रशासन द्वारा लगाई जाएगी। प्रथम चरण में छात्रों के प्रोस्पेक्ट 25 जून तक जमा करेंगे। प्रथम चरण में मेरिट आधार पर प्रवेश ले रहे विद्यार्थी 28 से 30 जून तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अब नए बदलाव के तहत प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का शैक्षणिक शेड्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसकी लगातार जो भी एडमिशन दी है 15 से स्टार्ट हो रही, तो इन्होंने बताया कि 18 से एडमिशन होनी है। आज जब भी स्टूडेंट सवेरे आता है उसको पूरा पता नहीं था कि प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलने। पहले काउंटर पर बताया गया, कहीं को 10 प्रोस्पेक्टस दिए जाते, कहीं को 50 दिए जाए। फिर इसके बाद है कि जो भी छात्र संगठन था किसी को ये नहीं बताया गया था किस तरीके से प्रोस्पेक्टस भराए जाने हैं, किस तरीके से उनको गाइडेंस दी जानी है। इसमें सबसे बड़ी कमी जो है कॉलेज प्रशासन की है। हर साल जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस गाइडेंस बोर्ड को लगाया जाता है, और ना कि किसी भी संगठन को बताया गया कि किस तरीके से ईयर वाइज सिस्टम है, किस सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, कि किस तरीके से बच्चों के प्रोस्पेक्टस भरवाने हैं। कमेटियों कोई नहीं था। अभी 11 बजे की मीटिंग बैठती है, प्रोस्पेक्ट तो 10 बजे मिल रहे हैं। कमेटियां जो होगी अभी 10:30 बजे की इनकी मीटिंग लगी है, 11:30-12 बजे की जो कमेटियां बैठी हैं जा रही है। तो ये सभी कमियां और बच्चों को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है। बाहर दूर प्रोस्पेक्टस भरवाने पड़े हैं, बच्चे दूर दूर से हैं। अभी कई तो वापस भी चले गए हैं, जिनको पता नहीं था कि कमेटियां कहाँ बैठी हैं। अब वो कल आएंगे दूर दराज के इलाके थे, मंडी से आए हुए थे। ये सब कमियां हैं, कॉलेज प्रशासन की है, इसको ठीक करना चाहिए। जो सबसे जो हमने पहले भी बात उठाई थी एनएसए ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और यहाँ हमीरपुर के अंदर भी हमने जो बात उठाई थी, तो हमने पहले कहा था कि जो इस बार जो नया जो रूसा सिस्टम इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम रूसा के अंदर से जो इन्होंने समाप्त कर दिया, उसकी गाइडलाइन अभी तक जो हमारे कॉलेज प्रशासन थे जितने भी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जो कॉलेज थे उनको गाइडलाइन नहीं दी गई थी, जिससे बच्चों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और जो यहाँ पर इनको गाइडेंस ब्यूरो जिन्होंने लगाए थे उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल्दी जल्दी में जो है वो ये नई गाइडलाइन तैयार कर दी। इन्होंने बच्चों को एक तरह से लॉलीपॉप थमा दिया कि अब रूसा को इन्होंने बंद तो किया नहीं, ऊपर से सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू कर दिया, जिससे जल्दी से जल्दी इन्होंने प्रोस्पेक्टस नहीं बना पाए, जिसके कारण जो पहले 15 से होनी थी एडमिशन वो 18 से हो रही है। तो इस करते बच्चों में काफी जो है बच्चों को काफी ज्यादा भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, और काफी ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पे तभी दिख रही है क्योंकि हड़बड़ाहट में जो चालू किया गया है जो सिस्टम, उस कारण यहाँ पर बच्चों की तादाद बढ़ी है, और यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जो है उस वजह से हमें जो है वो हड़बड़ाहट में भी तरन करना पड़ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय हमीरपुर की कार्यवाहक प्रचार ने बताया कि रूसा प्रणाली में शिक्षा विभाग के तहत शेड्यूल के तहत विद्यार्थियों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक शेड्यूल के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशों का इंतजार करना होगा। 15 जुलाई तक सत्र शुरू होगा। और ये जो आपके फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म हैं ये हमने 24 तक जो है वो फिलअप करने हैं, उसके बाद उसकी मेरिट बनेगी सब्जेक्ट वाइज, और इसकी मेरिट लिस्ट जो है आपकी 25 नेक्स्ट मंडे को जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और इसकी जो फीस डिपॉजिट की जो आपकी बनेगी टाइमिंग है वो 25 से 27 तक जो है फीस जमा करवाएगी, तो मेरिट लिस्ट फर्स्ट लगेगी आपकी। उसके बाद अगर सीटें खाली रहती हैं आपकी जिस सब्जेक्ट की भी, तो उसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 29 को जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, जमा करवाएंगे, और 30 तक जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की। और जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ऑन रोल जो आएंगे उनकी जो क्लासेज हैं वो आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जो स्कूल है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका 16 जुलाई से है,
जो गवर्नमेंट की है कि 15 तक इनके सिलेबस फ्रेम करके, इनकी रेगुलर टीचिंग जो होगी वो आपकी 16 जुलाई से हो जाएगी।